लर्नर्स, वेलकम टू सिंपल एंड ईजी क्लासेस। आज की वीडियो मियोसिस पर होने वाली है। आपको बता दें कि जो मियोसिस है वो एक टाइप का सेल डिवीज़न होता है, जो कि आपको इंटर में भी पूछा जा सकता है, बीएससी में भी पूछा जा सकता है, एमएससी में पूछा जा सकता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे इस तरह की जो भी आपको अपडेट्स हैं या न्यू वीडियोस हैं हमारे चैनल पर वो आपको मिल सकें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम मियोसिस के इंट्रो से स्टार्ट करेंगे। द टर्म मियोसिस वॉज गिवन बाय फार्मर एंड मोरे इन 1905। जो टर्म मियोसिस था वो फार्मर एंड मोरे ने 1905 में दिया था। मियोसिस पसेस रिडक्शन इन नंबर, सो ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन प्रोसेस। मियोसिस में क्या होता है कि जो नंबर हैं वो रिड्यूस होते चले जाते हैं। जैसे कि दो है तो दो से जो है, मतलब पहले टू थे तो टू से एक बनेगा, एक एक अलग अलग हो जाते हैं, उसके बाद फिर उससे और बनते चले जाते हैं। तो क्या होता है, रिडक्ट होता चला जाता है, रिड्यूस होता चला जाता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन प्रोसेस। मियोसिस डिवीज़न टेक प्लेस इन रिप्रोडक्टिव सेल और जनरेटिव सेल। जो मियोसिस डिवीज़न है वो ओनली या तो रिप्रोडक्टिव सेल या फिर जनरेटिव सेल से ही होता है। ये माइटोसिस की तरह नहीं है कि मतलब किसी भी पार्ट से हो जाए। वेयर द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस, जहाँ पर गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी वहीं पर मियोसिस होती है। इन दिस प्रोसेस द नंबर ऑफ क्रोमोजोम रिड्यूस अप टू हाफ। जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, पहले वो हाफ में डिवाइड हो जाते हैं, फिर हाफ में डिवाइड होने के बाद वन मदर सेल से जो है वो फोर डॉटर सेल बनती हैं। दिस डिवीज़न कम्प्लीट इन टू स्टेप्स। कौन कौन से दो स्टेप्स होते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर वन मदर सेल से फोर डॉटर सेल्स बनती हैं। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर ये डिप्लॉइड में है, देन जैसे ही ये इसका एक बार सेल डिवीज़न होगा तो इससे क्या होते हैं, हैप्लॉइड बन जाते हैं। फिर यहाँ पर जो एक मदर सेल बनी है इससे क्या बनते हैं, टू डॉटर सेल्स बन जाती हैं, और यहाँ एक मदर सेल से टू डॉटर सेल बन रही हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि टोटल एक मदर सेल से फोर डॉटर सेल बनी, और यहाँ पर दो बार डिवीज़न हुआ, वन डिवीज़न यहाँ हुआ और सेकेंड डिवीज़न यहाँ हुआ। और ये जो यहाँ पर पहला डिवीज़न होगा तब भी हैप्लॉइड बनेंगी, और दोबारा डिवीज़न होगा तब भी हैप्लॉइड सेल्स ही बनती हैं। तो अब हम एक एक जो स्टेप है उसको अच्छे से समझेंगे कि कैसे कैसे करके डिवीज़न होता है। तो आप देख सकते हैं कि मियोसिस, मैंने अभी बताया आपको, दो डिवीज़न होंगे, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। जो मियोसिस फर्स्ट है उसकी चार फेज होंगी, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। इसी तरह मियोसिस सेकंड में भी प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड होता है। प्रोफेज के अंदर ये पांच स्टेप्स और आते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। अभी ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इन जो प्रोसेसेस हैं इनमें क्या होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, डिप्लोटीन, इन सब में क्या होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये डायग्राम है पूरा सेल डिवीज़न का, या आप पहले पूरा डायग्राम देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, देन मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है कि क्रोमैटिन थ्रेड्स पाए जाते हैं, तो देन ये क्रोमैटिन थ्रेड्स हैं। अब प्रोफेज के पहले लेप्टोटीन में क्या होता है कि जो क्रोमैटिन थ्रेड्स हैं वो टूटते हैं, और टूटने के बाद कुछ मोटे हो जाते हैं, और मोटे होकर इनके ऊपर ये जो क्रोमैटिड्स हैं, इन क्रोमैटिड्स से ये जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद क्रोमोसोम्स बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेप्टोटीन टू जाइगोटीन यही प्रोसेस होती है। फिर आप देखेंगे कि जाइगोटीन में अब ये क्रोमोसोम्स बन चुके हैं। यहाँ आपको दो तरीके के क्रोमोसोम्स दिखाई देंगे, ये नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स हैं। सिस्टर क्रोमोसोम्स वो होते हैं जो एक जैसे होते हैं, ये नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स हैं। देन जाइगोटीन के बाद अब क्या होता है, ये जो नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स है ये अभी बाइवेलेंट थे, अब ये टेट्रावेलेंट हो जाते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पर एक क्रोमोसोम में ये इस तरह से बाइवेलेंट थे, ऐसे ये बाइवेलेंट, और अब ये कैसे हो जाएंगे, टेट्रावेलेंट। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये टेट्रावेलेंट हो गए, सारे क्रोमोसोम्स पेयर में आ चुके हैं, ठीक है।
जब ये प्रेयर में आ जाते हैं, तो प्रेयर में आने के बाद अब यहाँ क्या होती है, पैक्टीन स्टेज। पैक्टीन स्टेज में इनका क्रॉसिंग ओवर होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला सेगमेंट इसका क्रॉसिंग ओवर और ये वाला सेगमेंट इसका क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर ये जो नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स हैं, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर जैसे ही होता है, जस्ट उसके बाद क्या होता है कि इसकी जो न्यूक्लियस है, इसकी मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इसका जो न्यूक्लियोलस है, ये दोनों डीजेनरेट होने लगते हैं। और जब ये डीजेनरेट हो जाएंगे, तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये फ्रीली इसमें घूमने लगते हैं, जो साइटोप्लाज्म है उसमें फ्रीली घूमने लगते हैं। तो इस स्टेज को हम डिप्लोटीन स्टेज कहते हैं। देन अब क्या होता है, इस स्टेज को जहाँ पर ये डीजनरेट होने के बाद ये फ्रीली आते हैं, उसको हम डायकाइनेसिस कहते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर जो क्रॉसिंग ओवर हुई, तो जो सेगमेंट्स थे वो अब चेंज हो गए हैं। इस वाले क्रोमोसोम का सेगमेंट इसमें इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे चेंजेस हुए और ये वाला सेगमेंट इसमें, ये वाला इसमें आ गया। इसी तरह ये वाला इसमें और ये वाला इसमें आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चेंजेस हो जाते हैं। देन चेंजेस होने के बाद अब क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये जो है वो इस पर अरे ये डाइकाइनेसिस तक जो है आपका प्रोफेज ख़त्म हो गया। अब आपका स्टार्ट होगा यहाँ पर मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या होता है, ये इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। ये जब अरेंज होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये स्पाइंडल फाइबर्स हैं, इसको हम स्पाइंडल फाइबर्स कहते हैं। और ये जो है वो स्पाइंडल फाइबर्स पर अरेंज हो जाते हैं। जैसे ही ये स्पाइंडल फाइबर्स पर अरेंज हो जाते हैं, तो इस स्टेज को हम मेटाफेज कहते हैं। देन आती है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि इन दोनों स्पाइंडल फाइबर्स के बीच में, यहाँ इसमें रिपल्जन फोर्स लगता है। रिपल्जन फोर्स का मतलब है एक दूसरे के तरफ, मतलब हम कह सकते हैं ना कि मतलब वो उसको धक्का दे रहा है कि तुम अपनी साइड जाओ, ये इसको धक्का देगा कि तुम अपनी साइड जाओ। तो इस तरह से एक दूसरे को धक्का देते हैं और दोनों जो है वो अपने अपने पोल की तरफ जाने लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एनाफेज में ये दोनों अपने अपने पोल की तरफ आ चुके हैं। और अपने अपने पोल की तरफ आने के बाद देन अब क्या होगा कि ये जो है वो टीलोफेज स्टेज होगी। और टीलोफेज में ये जो है बीच में इसमें एक प्लेट लग जाएगी, और प्लेट लगने के बाद जो है ये दोनों अलग हो जाते हैं। और फिर से प्रोफेज में क्या होगा कि इनकी जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वापस आएगी, न्यूक्लियोलस वापस आएगा, फिर से जो है ये क्रोमैटिन्स बनेंगे। तो इस तरह से ये पूरी फेज हो जाती है। देन प्रोफेज होने के बाद मेटाफेज होगी। मेटाफेज में फिर से जो है वो स्पाइंडल फाइबर्स पर अरेंज होंगे। अरेंज होने के बाद फिर से एनाफेज होगी। अब अरेंज होने के बाद फिर से इनके बीच में रिपल्जन फोर्स लगेगा और ये दोनों अपने अपने पोल की तरफ चले जाते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ ये टेट्रावेलेंट थे, अब ये यहाँ पर वाइवेलेंट हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर भी ये वाइवेलेंट होंगे। फिर वाइवेलेंट होने के बाद अब क्या होगा, इसमें टीलोफेज स्टेज होगी। और टीलोफेज स्टेज में क्या होगा, वापस से इसके बीच में एक प्लेट लग जाएगी, ये अलग हो जाएगा, और यहाँ पर भी प्लेट लग जाएगी, और यहाँ पर ये अलग और ये अलग हो जाएगा। और आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पर ये नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स ही बनते हैं। आप देखेंगे ये वाला क्रोमैटिन जो है वो ये वाला जो क्रोमैटिन है वो अलग होगा, और ये वाला जो क्रोमैटिन है वो अलग होगा। दोनों क्रोमैटिन अलग अलग होंगे। तो इस तरह से ये पूरी फेज पूरी होती है। तो आई होप कि आपको पूरी मियोसिस समझ में आ गई हो कि कैसे करके होती है। एक हम क्विक रिविज़न और कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि थ्रेड्स जो हैं वो टूटते हैं, टूटने के बाद मोटे होते हैं, मोटे होकर इनसे क्रोमोसोम्स बनते हैं। फिर ये क्रोमोसोम वाई वैलेंट से टेट्रावेलेंट बनते हैं। टेट्रावेलेंट बनने के बाद इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, वो डीजनरेट हो जाएगा। और ये क्रॉसिंग ओवर होने के बाद अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग होने के बाद देन ये स्पाइंडल फाइबर्स पे अरेंज हो जाते हैं। स्पाइंडल फाइबर पे अरेंज होने के बाद इनके बीच में रिपल्जन फोर्स लगता है और ये अलग अलग हो जाते हैं। फिर इनके बीच में एक प्लेट लगती है, और प्लेट लगने के बाद यहाँ पर वन मदर सेल से टू डॉटर सेल्स बन जाती हैं। फिर दोबारा से अब क्या होता है कि यहाँ प्रोफेज में ये दोबारा से मेटाफेज में आती हैं और फिर से अरेंज होते हैं। अरेंज होने के बाद फिर से इनके बीच में जो है रिपल्जन फोर्स लगता है और ये टेट्रावेलेंट से बाईवेलेंट हो जाते हैं और अपने अपने पोल की तरफ चले जाते हैं। देन एनाफेज के बाद टीलोफेज होती है, इनके बीच में प्लेट लगती है, और प्लेट लगने के बाद यहाँ पर टू डॉटर सेल से देन और फोर डॉटर सेल्स बन जाती हैं। तो वन मदर सेल से फोर डॉटर सेल्स इस तरह से बनती हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ तक जो है वो मियोसिस फर्स्ट पूरी हो जाती है, और अगर इस तरफ आप देखेंगे तो इस तरफ जो है वो मियोसिस सेकंड पूरी होती है।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको पूरा समझ में आ गया हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे इस तरह की जो और वीडियोज़ हैं वो हम आप तक सबसे पहले पहुँचा सकें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।